1000 लोग हुए भाई, अभी थोड़ा सा और भाई हो, और साथ के साथ यार शेयर करते ना, क्योंकि मैं ये बहुत ही गंभीर विषय है जो मैंने अनुभव किया, तो मैं अपने लाओ अपने साथियों को अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ भाई इसका क्या उपाय है, किस तरीके से इससे ना घबराएं तभी इससे, क्योंकि जो एक माहौल बना हुआ है डर का बहुत ज़्यादा, तो वो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो अंकुर राघव, राम राम, गुड आफ्टरनून भाई, गौतम यादव, दीपक त्यागी, गुड आफ्टरनून। ये सिर्फ एक मिशन है, जैसे मैं अपने लोगों को बता सकूं, अपने युवा साथियों को जो मुझसे सहमत होंगे, जो जिनको लगता होगा उनको ये बात माननी चाहिए, बाकी डॉक्टर की सलाह भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है भाई, मैं शुरू करता हूं। मेरे साथ 2700 लोग जुड़ चुके हैं, और आप लोगों से ये है अनुरोध है, इसको साथ के साथ आप शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं एक अर्जुन अवार्डी रेसलर रहा हूँ और ओलंपियन एशिया का मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट, तो मैं एक स्पोर्ट्स ही मेरी लाइफ रही है। तो मुझे क्या लगता था, जैसे अब से पहले यार मैं तो बहुत मजबूत हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं पहलवान हूँ, मैं डाइट अच्छी खाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ रोज़, तो मुझे कोरोना नहीं होगा, ये मुझे था ऐसा। हालांकि मैं ध्यान रखता था, पर फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि यार मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं वो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कितना मजबूत है। ठीक है, तो वो मायने रखता है, पर यदि आपको आप वायरस की चपेट में आते हैं तो अपना नुकसान जो करेगा, जैसी बॉडी है उसके अनुसार नुकसान करेगा। तो इसके लिए वो मतलब जैसे मुझे हुआ, तो मैं वर्कआउट करता था, मेरा खान पान ठीक था, मैं कोई नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट या कुछ इस तरह का, दारू ड्रिंक किसी तरह का मैं कोई नशा नहीं करता, तो उस चीज़ का भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे हुआ, पर मुझे कोई खांसी या जुकाम या कुछ उस तरह का नहीं हुआ भाई मेरी कंडीशन जो है ख़राब हो गई हो और मुझे ऐसा। इसके लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, एक तो अपना मनोबल को बहुत मजबूत रखना है। नॉर्मली यदि आदमी सोच रहा है अगर भाई तुझको बुखार हो गया और तेरे साथ मतलब वो डरने लगे कोरोना 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 है, पर वो ऐसा नहीं है भाई, वो आपको मतलब यदि डरने के कारण जो है आपका जो लड़ने की जो शक्ति है वो बहुत कम हो जाएगी, तो वो और आपको अच्छी तरह से जकड़ लेगा। अच्छा, इसका सबसे जो एक मैंने जो तरीका देखा है वो है मास्क। 99% या तो नहीं मैं कहूँगा 90% मैं मान के चलता हूँ, यदि आप मास्क लगाते हैं प्रॉपर उसको अच्छे से सेट करके डबल मास्क लगाते हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा 90% सुरक्षित हैं। और 2 गज की दूरी, ये सबसे वो है, क्योंकि इसका जीता जाता जो उदाहरण है वो मैं हूँ, क्योंकि यदि आप मतलब दूरी का हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस का काम ऐसा है, चुनाव था हमारे यहाँ 15 तारीख का, तो हमें बहुत मीटिंग करनी पड़ी, गांव-गांव में जा के घूमना पड़ा, तो इस वजह से हम ज़्यादा नहीं मतलब पब्लिक के टच में रहना पड़ता हमेशा। तो इसमें जो है मेन चीज़ ये अपना कॉन्फिडेंस, और जिस दिन आपको सिस्टम लगे भाई आज मुझे बुखार आ रहा है या मुझे शरीर में कुछ हरकत हुई है, उस दिन को ज़रूर याद रखें, उसको वो ना करें, उसको याद रखें। उसको याद रखने के बाद उससे जो 5वां या 6ठा दिन आएगा उसमें देखना आपका फीवर बढ़ तो नहीं रहा या आपका बुखार तेज़ तो नहीं हो रहा, यदि वो तेज़ हो रहा है तो उसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से ही सारा कुछ लोग स्टेरॉइड का जैसे यूज कर रहे हैं, उसकी बॉडी के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए कितना करना चाहिए, अपने आप उसको ना लें बिल्कुल भी। अच्छा, जिस व्यक्ति से आप बात करें उसको ये आप देखें समझें, हाँ इसको कोरोना हो सकता है, तो उससे दूरी से बात करें। और ये खासकर सब पुलिस कर्मियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे गाड़ियाँ हम चेक करते हैं तो गाड़ी में जैसे मुँह घुसा दिया एकदम अपने आप ही, तो
तो ऐसा नहीं उसको बीच में गैप रखें, उससे खड़ा करके हम चार आदमी हैं, कोई इधर खड़ा हो गया कोई इधर, इस तरह से लगे दियो भाग ना पाई या कुछ इस तरह का आपको लगता है। और आम लोगों के लिए ये है कि यदि पुलिस सख्ती कर रही है तो वो आपके लिए खिलाफ नहीं कर रही, वो आपके आपके आपको बचाने के लिए कर रही है, ठीक है, वो उससे कोई वो नहीं है। तो क्योंकि आप सुरक्षित रहोगे तभी सब सुरक्षित रहेंगे। और आज के टाइम जो है जितना भी अब हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, भीड़ भाड़ वाली जगह से आप बचें, बहुत लोगों ने कहा ऐसा भाई भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए, तो मैं भी कह रहा हूँ इस चीज़ को, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। यदि आपको कहीं जाना भी है इमरजेंसी में तो मास्क लगा के बाकायदा पूरी उससे डबल मास्क, जो कुछ लोग मास्क लगाए रहते हैं छोटे मास्क आए हुए वो यहाँ तक ना तो उसका नाम भी मास्क का होता है और मास्क नहीं होता, यहाँ तक उतर रहा है गर्दन नाक से उतर रहा है या नीचे उतार लिया, प्रॉपर मास्क लगाओ। और इसको 10 दिन से 15 दिन तक यदि आप ढंग से लॉकडाउन का पालन कर लेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर ये चैन टूट जाएगा, जो लोग जो संक्रमित हैं वो बाहर निकल आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका वो लोग अपना CBC, CRP और DMR टेस्ट ये ज़रूर करा लें, क्योंकि इसके बाद जो है ना ये अपना जो साइड इफ़ेक्ट छोड़ रहा है। अब जैसे मेरा जिस दिन ख़त्म हुआ था तो मेरा नॉर्मल था जिस दिन वो हुआ, पर आज मेरा वो आज मतलब मेरा उस दिन 0.5 था, अब 7.9 है, मतलब जो हार्ट अटैक होने की जो क्षमता है वो 9 से शुरू होती है। तो मैंने उसका टेस्ट पहले ही कराया, फिर मैंने 3-4 दिन बाद फिर टेस्ट कराया, उस टेस्ट से मुझे पता चला हाँ भाई ऐसा, जिस दिन आपने कोरोना होते ही आप टेस्ट कराओगे तो वो ठीक है, उसके बाद भी कराना, उसके 4 या 5 दिन बाद भी टेस्ट कराना ज़रूरी है, उसकी आप दवाई लो। तो क्योंकि जो क्लोटिंग हो रही है, जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो इसीलिए हार्ट अटैक ज़्यादातर हो रहे हैं क्योंकि लोग ठीक हो जा रहे हैं और वो फिर बिल्कुल उस तरह से ले रहे हैं। अब हमारे एक दोस्त थे वो भी जैसे ठीक हुए, तीसरे चौथे दिन जिम चले गए, जिम जाने के बाद जैसे शरीर कमज़ोर होता है तो वो फिर एकदम तैयार हो गए उसमें, मतलब उनको जैसे उन्होंने एक्सरसाइज की तीसरे चौथे दिन तो उनको हार्ट अटैक आ गया जिम के अंदर ही। तो अभी जो लोग जिम विम करने वाले हैं वो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें, अभी जैसे ठीक होते हैं इसके कम से कम 15 दिन या महीना योग करें, योग ठीक है, अलोम विलोम कब जितना भी मतलब आप कर सकते हैं, सांस लें धीरे धीरे छोड़ें, सांस को थोड़ी देर रोक के रखें, घड़ी में टाइम देख लें 5-30 सेकेंड 35 सेकेंड 40 सेकेंड ये देख लें, उसके बाद आप जैसे आराम से बिल्कुल रिलैक्स रह के आप अपने कोई भगवान को कोई अल्लाह को कोई उस तरह जिस तरह से आप याद करते हैं तो उस तरह से याद करें, जैसे आंख बंद करके हम लंबा जैसे हिंदुओं में ओम बोलते हैं ओम इस तरह से, तो ये सब चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, डरना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी, और डर से आप बिल्कुल और कमज़ोर हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। और अपने लोगों से को सुरक्षित रखना है, आप लोग बाहर कम से कम निकलें, थोड़े दिन की बात है ये ख़त्म हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, ठीक है। बाकी पुलिस का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें यदि कोई बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग हमें मिलते हैं रोड पे मिलते हैं तो जिसकी मजबूरी होती है हम उसको ऐसा नहीं कुछ कहते हों या हम उसको कुछ कहेंगे, हमारा कोई उस ध्येय नहीं है। फिलहाल ये है सख्ताई यदि हमें करनी पड़ती है तो यदि हम उसको नॉर्मल बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा, अगले दिन फिर रोड पे मिलेगा, और उसको थोड़ा सख्त तरीके से बोलेंगे तो उसको समझ में आएगा हाँ थोड़ा सा है, तो ये करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो बाकी आप सबकी सेवा में पुलिस जो है हमेशा तत्पर है। और एक चीज़, जिस दिन से बुखार आए उस दिन से लक्षण उस दिन याद रखना, 5वां 6ठा दिन यदि आपका बुखार 102-3 या बढ़ता है ज़्यादा 99 या 100 से तो उसमें ज़रूर ध्यान रखें, उसमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, ठीक है। अनावश्यक जैसे सिलेंडर लोगों ने घरों में रख लिए, अब मेरे भी मतलब मैं भी रख सकता था और नहीं तो मैं जैसे पुलिस के माध्यम से मैं अपने पद का फ़ायदा उठा के मैं भी एक सिलेंडर रख सकता था घर में, मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं है ना होगा, जब ज़रूरत होगी तब सलाह लेंगे डॉक्टर की। तो इन सब चीज़ों को क्योंकि जो आप स्टोर करके रख रहे हो अपने घर में वो हो सकता है किसी दूसरे की जान बचा दे, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें नॉर्मली। और जैसे स्टीम है वो आप ले ही रहें, रोज़ सुबह शाम तक स्टीम लें, सुबह शाम दोनों टाइम स्टीम लें, गरारे नॉर्मल करते रहें रोज़ नॉर्मल, यदि आप ठीक ठाक भी हैं तो गरारे नमक के पानी के हल्दी के वो गरारे कर लें, ठीक है। मेरा जो है बहुत लंबा हो गया तो मैं आप सबको
सुरक्षित रहने के लिए कामना करता हूँ। और आप भी अपना ध्यान रखें और अपने प्यारों का ध्यान रखें उस चीज़ को, क्योंकि आप जाओगे बाहर से तो आपके बच्चे भी घर में होंगे, तो आगे आगे जो है ये नुकसान देगा। अब इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या का सुख सुविधा वो एक लिमिट ही होती है उसकी भी, तो कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमें खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।